सिरसा में छीना झपटी, चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने दबोच लिया है। पुलिस की टीम शनिवार देर रात गश्त पर निकली थी और इसी दौरान चेकिंग करते हुए पुलिस ने गिरोह के 6 युवकों को सिरसा शहर से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि गिरोह के 3 से 4 सदस्य मिलकर वारदात को अंजाम देते थे। ये लोग अकेले वाहन चालक को देखते ही पीछा करते थे और मौके पर पाकर उन्हें लूट लेते थे। इसी तरह गिरोह के लोग घरों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। डोमिनेशन था कल शाम को, रात को पूरी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है वो नाइट डोमिनेशन में वर्किंग पे थी, तो हमारी सही की तीन टीमें भी इस काम में लगी हुई थी। पिछले दिनों से शहर के अंदर चोरी और स्नैचिंग की वारदात जो है बढ़ी हुई थी, तो SP साहब ने विशेष दिशा निर्देश हमें दिए थे कि इस गिरोह का पर्दाफाश करना है, तो हम काफ़ी दिनों से इस पर काम भी कर रहे थे। तो हमें सूचना मिली थी कि 6 आदमी हैं इस गिरोह में जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो ट्रंक वाले को लूट लेते हैं, रहाई गिरोह को लूट लेते हैं, घर में भी चोरियां करते हैं। इस प्रकार की सूचनाएं हमारे पास थी, जिस पर हमारी तीन टीमों ने कल दबिश दी। दबिश दे करके हमने 6 इनमें आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने पूछताछ के अंदर हमारी इस ज़िले की 5 वारदातें 378A, 378B और घर के अंदर चोरी और छीना झपटी की वारदातें जो है वो ट्रेस हुई। 5 मुकदमे इसमें हमारे ट्रेस हुए हैं। 5 मुकदमे थे और 5 मुकदमे के अंदर किसी के अंदर 15,000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये, 27,000 रुपये छीना भी थी और उसमें चोरी भी थी। तो सभी से लगभग हमने रिकवरी करी है इनसे, और ये वारदात करने का जो इनका तरीका था कि ये ग्रुप बना करके 4-5 आदमियों की टोली बना करके कभी 3 चले गए, कभी 4 चले गए, लोगों को जो है राहगीरों को लूटते थे, ट्रक वालों को लूटते थे और घर में बढ़ के चोरी करते थे। इस प्रकार की वारदात इन्होंने मानी है, और एक जो वारदात करने के पीछे रीज़न था कि वो इनका नशा था, कि नशा की आदि थे ये और अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, नशा को पूरा करने के लिए ये वारदात को अंजाम देते थे। तो इस प्रकार से इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अभी इनका रिमांड भी लिया जा रहा है और इनसे रिकवरी भी हमने करी है और भी पूछताछ जारी है। बिल्कुल, इसमें एक दो नाम और भी आए हैं, हम उनको भी वेरीफाई कर रहे हैं, उनकी आइडेंटिफाई कर रहे हैं और कहाँ हैं वो हम उनको भी कर रहे हैं। सर, पर्टिकुलर किस स्थान से इनको अरेस्ट किया गया? ये शहर सिरसा के एरिया से अरेस्ट किया गया। पुलिस आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने सिरसा जिले में 5 वारदातें कबूल की हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान आरोपियों से कई और घटनाएं उजागर होंगी। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।